गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर TSN क्लासेस। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 10। वी कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 237। टुडे टॉपिक इज मेथड टू डेवलप स्पीड्स। स्पीड्स इन फैक्ट स्पीड इज द प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। स्पीड एक जेनेटिक फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर बोल सकते हैं, जिसका प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक, अगर जिसका प्रोडक्ट, जैसे जिसके जेनेटिक अच्छे होंगे, जिसके एनवायरमेंट अच्छा होगा, तो उसका ऑटोमेटिकली उसके जो जीन्स जो बोलते हैं जिनका, उनका स्पीड में भी डेवलप्ड होना कंपलसरी होता है। रिगार्डिंग द जेनेटिक फैक्टर नथिंग कैन बी चेंज। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इज ईच इंडिविजुअल हैज फास्ट ट्विचेस फाइबर, वाइट ट्विचेस फाइबर एंड स्लो ट्विचेस फाइबर, रेड फाइबर। जो स्लो फास्ट ट्विचेस फाइबर उसको वाइट फाइबर्स बोलते हैं, जो स्लो ट्विचेस फाइबर है उसको रेड फाइबर्स बोलते हैं। इफ एन इंडिविजुअल हैज मोर परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विचेस फाइबर इज हर मूवमेंट विल बी फास्ट। अगर किसी का फास्ट परसेंट किसी का फास्ट ट्विचेस फाइबर का परसेंटेज अच्छा होता है, तो वो उसके जो मूवमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल विल बी फास्टर, वो उनके मूवमेंट जो होते हैं वो बिल्कुल फास्टर होते हैं, उनकी स्पीड जो होती है फास्टर टाइप की होती है। ऑन द अदर हैंड, इन डिफरेंट इंडिविजुअल मोर परसेंटेज ऑफ स्लो ट्विचेस फाइबर, जिसका स्लो ट्विचेस फाइबर, जैसे स्लो ट्विचेस फाइबर में आता है रेड फाइबर, जिसके रेड फाइबर्स अच्छे होते हैं, तो उसका क्या होता है, हर मूवमेंट विल बी फास्टर। स्लो ट्विचेस फाइबर शी विल बी हैव मोर एंड्योरेंस टू स्टेमिना। जिसका रेड ट्विचेस फाइबर अच्छा होता है, उसका स्टेमिना अच्छा होता है और एंड्योरेंस पावर अच्छा होता है। द परसेंटेज ऑफ दिस मसल्स फाइबर्स कैन नॉट बी चेंज। जो परसेंटेज होता है मसल्स फाइबर का, वो चेंज नहीं होता। सो इट मीन्स दैट द जेनेटिक फैक्टर परसेंटेज ऑफ दिस, सो द जेनेटिक फैक्टर सेट परसेंटेज ऑफ दिस मसल्स फाइबर्स कैन नॉट बी चेंज। सो इट मीन्स द जेनेटिक फैक्टर सेट द लिमिट ऑफ स्पीड ऑफ एन इंडिविजुअल अप टू सर्टेन लेवल, बट एनवायरमेंटल फैक्टर स्टिल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। जेनेटिक फैक्टर क्या करता है, आपकी स्पीड को लिमिट, सेट द लिमिट ऑफ स्पीड्स इंडिविजुअली, एक पर्सन की लिमिट स्पीड को सेट करता है। और एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, स्टिल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इन फैक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम सही करता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ सही करता है, आपकी टेक्निक, फ्लेक्सिबिलिटी, मोटिवेशन, कंसंट्रेशन, विल पावर एंड कैन एनहांस द स्पीड ऑफ इंडिविजुअल, आपकी इन चीज़ों को बढ़ाता है, जैसे कि मोटिवेशन, कंसंट्रेशन, इन चीज़ों को सबको बढ़ाता है। नेक्स्ट है, After learning the proper technique, we should practice that technique at a higher speed. Acceleration run. Next, acceleration are usually adopted to develop speed, especially in attaining a maximum speed from stationary position. आपकी जो stationary position है उसमें आपको क्या बढ़ाता है, acceleration runs क्या बढ़ाता है, आपकी speed develop करता है, especially in attaining maximum speed from stationary position. स्थिर position से आपको maximum speed provide करवाता है. It should be kept in mind that the technique of any event should be learned in the beginning, only then we should switch over the acceleration runs. For example, 100 meter sprint race, we should lay stress on the technique of start and complete running action. 100 meter mein kya hota hai, aap stress se bhari bhi nahi hoti, the technique of start and complete running action, sabse main hota hai technique of starting and complete running actions. We should practice it slow speed. After learning the proper technique, we should practice that technique as higher. अब starting हम कैसे करते हैं, slow speed से starting. फिर हम जैसे सीखते जाते हैं तो हम क्या करते हैं, proper technique अगर हमारे को आ जाती है तो we should practice technique as a higher speed. हम उसको फिर higher speed में convert करके उससे practice करी जाती है. After good amount of practice of complete technique, we may switch over to acceleration. कुछ दिनों बाद अच्छी practice होने के बाद क्या होता है, complete technique आप सीख जाते हो, फिर वी मे स्विच ओवर द एक्सेलरेशन, फिर हम एक्सेलरेशन के तक पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट पेज, फॉर एक्सेलरेशन रन एन एथलीट रिक्वायर टू रन स्पेसिफिक डिस्टेंस, शी टेक फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन एंड ट्राइज टू अटेन द मैक्सिमम स्पीड एज सून एज पॉसिबल। एक्सेलरेशन रन में क्या होता है कि जो आपको टाइमिंग दिया जाता है उसमें आपको मैक्सिमम स्पीड की से सून एज पॉसिबल फिनिश करना होता है। द डिस्टेंस स्पेसिफाइड एट दैट स्पीड, दिस एक्सेलरेशन रन आर रिपीटेड over and over again with sufficient interval between runs. Sprinter usually achieve their maximum speed in 6 seconds. Sprinter जो होता है usually जो किसमें अचीव कर ले 6 सेकेंड के अंदर वो अपनी स्पीड को पकड़ लेता है, after द स्टेशनरी पोजिशन, जब वो स्टेशनरी पोजिशन में होता है, मतलब जो स्थिर पोजिशन उसकी होती है। इट मीन्स दैट 50 to 60 meters इज नीडेड टू स्टार्ट एक्सेलरेशन टू मेंटेन स्पीड मैक्सिमम स्पीड। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट वेरी गुड एथलीट कैन मेंटेन देयर मैक्सिमम स्पीड फॉर 20 minutes ओनली। अगर स्पीड फॉर इट्स भी हैज़ बीन
ऑब्जर्व दैट वेरी गुड एथलीट कैन मेंटेन देयर मैक्सिमम स्पीड इन 20 मिनट. अगर कोई अच्छा एथलीट होता है तो वो कितने मिनट के अंदर किसको 20 मिनट के अंदर वो मैक्सिमम स्पीड को पकड़ लेता है. द नंबर ऑफ एक्सेलरेशन रन्स कैन बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द एज एंड एक्सपीरियंस कैपेसिटी टू एथलीट. अगर किसी की 6 to 12 रन्स, अगर किस पर डिपेंड करता है, एज पे और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है उस एथलीट की. इट्स मे बी वेरी फ्रॉम 6 to 12 रन्स, 6 to 12 बार उसको. बिफोर एक्सेलरेशन रन प्रॉपर वार्म अप मस्ट बी डन. एक्सेलरेशन रन से पहले आप उसको प्रॉपर वार्म अप होना कंपलसरी है. आफ्टर एवरी एक्सेलरेशन रन द शुड बी प्रॉपर इंटरवल सो डैट ही मे मस्ट स्टार्ट नेक्स्ट रन विदाउट एनी फैटिग. एक्सेलरेशन रन कराने से पहले उसको थोड़ा सा बीच में इंटरवल देना चाहिए ताकि वो जो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करे तो उसको थकावट महसूस ना हो. जनरली ही शुड टेक रेस्ट ऑफ 4 to 5 मिनट बिटवीन द रन. कितने मिनट का रेस्ट देना चाहिए? 4 to 5 मिनट का रेस्ट देना चाहिए. पेस रन में क्या होता है? पेस रन मीन्स रनिंग द होल डिस्टेंस ऑफ अ रेस टू कॉन्स्टेंट स्पीड इन पेस. एंड एथलीट रन एंड रेस यूनिफॉर्म स्पीड जनरली 800 मीटर अबव रेसेस आर इंक्लूडेड टू पेस रन. पेस रन को होती है जो लंबी रेसेस होती है, 800 मीटर हो गई, 50,000 1500 मीटर हो गई, 3000 मीटर हो गई, इन चीज़ों में पेस रन का यूज होता है. एज मैटर ऑफ फैक्ट एथलीट कैन रन डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर एट फुल स्पीड. सो इन लॉन्गर रेसेस सच एज 800 मीटर रेसेस अबव रेसेस मस्ट कंजर्व दिस एनर्जी बाय रिड्यूसिंग स्पीड. 300 मीटर तक कंटिन्यूसली एथलीट रन कर सकता है बट रेसेस सच 800 मीटर अबव शी मस्ट कंजर्व इज एनर्जी बाय रिड्यूसिंग स्पीड. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर 800 मीटर रेस इट द एंड इज बेस्ट टाइम इज 1:40. अगर जिसका 800 मीटर रेस में जिसका टाइमिंग हिज बेस्ट टाइम इन 1:40, सो ही शी शुड रन द फर्स्ट 400 मीटर इन 49 सेकेंड. जिसका 800 मीटर रेस में 1:40 तक वो कवर अप कर लेता है तो उसका जो फर्स्ट शुड रन द फर्स्ट 400 मीटर जो रन करता है वो कितने में होता है?